ओम शांति। आपका प्रश्न है, परम धाम में प्रेम शांति आनंद सुख शक्ति सातों गुणों का अनुभव कैसे करें, जबकि परम धाम में संकल्प ही नहीं। परमात्मा कहते मुझे परम धाम में याद करो, तो परम धाम में कैसे याद करें? ये प्रश्न बहुत गहरा है। इस प्रश्न पर मंथन ना करने के कारण मेडिटेशन में सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं, क्या हम सवेरे योग में बैठते हैं सिर दर्द होता है, हमारा योग लगता नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है क्यों नहीं लगता, तो जवाब मिलता है हमें वो किरणें नहीं आती, हम जो संकल्प करते हैं वो होता नहीं। जबकि वीडियो में दिखाते हैं कि हम आत्मा इस संसार से परम धाम में जा रही हैं, और जैसे जैसे हम आत्माएं इस संसार से उड़ती हैं और एक सितारे के माफिक उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन के भी पार परम धाम शांति धाम में पहुंचते हैं, तो वहां वहां क्या होता है? वहां परम पिता परम आत्मा है। जहां परम पिता परमात्मा से हमारे पास प्रेम की शांति की आनंद की पवित्रता की किरणें आती हैं, जब हम उससे भरपूर हो जाते हैं तो फिर हम वापिस इस पृथ्वी पर आते हैं, फिर हमसे वो सारी किरणें निकलकर वहां जाती हैं, परंतु ऐसा हमारे से नहीं हो रहा है। ना किरणें आ रही हैं और ना किरणें जा रही, फिर हम परम धाम में जाग जाएं क्या करें, वहां प्रेम और शांति का अनुभव कैसे करें? रियली ये बहुत बहुत समझने वाली बात। इस पृथ्वी से परम धाम जाना क्या मतलब, पहले इस बात को समझना। बाबा ने कई मुरलियों में कहा, एक अव्यक्त मुरली के अंदर बहुत अच्छी तरह से मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना कि चाहे मैं यहां आपको मुरली पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं, मिलने के लिए आया हुआ हूं, ज्ञान सुना रहा हूं, फिर भी आप मुझे जब भी याद करें परम धाम में याद करें, और जब तक हम परम धाम में नहीं जाएंगे तो हम परम पिता परम आत्मा को याद नहीं कर सकते।
पहले तो हमें इस बात को अपनी बुद्धि के अंदर स्पष्ट करना है कि परम धाम जाना क्या चीज है। परम धाम में अभी कुछ ही दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, वंडरफुल लाइन है वो, बिंदु आत्मा बिंदु परमात्मा के साथ परम धाम में मिल नहीं सकती। बिंदु आत्मा बिंदु परमात्मा से परम धाम में मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि परम धाम का मतलब है संकल्प शून्य, परम आत्मा का मतलब है एक ऐसी आत्मा जिसे संकल्प शून्य। परम आत्मा जब परम धाम में है तो उनको भी कोई संकल्प नहीं। हम आत्मा भी जब परम धाम में है कोई संकल्प नहीं, इसलिए परम पिता परमात्मा के पास हम परम धाम होते हुए भी परमात्मा कभी हमें नहीं पढ़ाता। संकल्प से भी पालना नहीं करता कि अब हमारे में कोई परिवर्तन आ जाए, अब तो ये धरती पर नहीं है, अब तो ये मेरे पास है, इनके पास काम भी नहीं है, बिल्कुल फुर्सत में है, अब इनको पढ़ाकर इनका परिवर्तन कर दो। नेवर। क्योंकि आत्मा परम धाम जिस स्टेज पर गई है, परम धाम से उसी स्टेज पर उसे आना है। जो आत्मा 90% पवित्र बनी है वो 90% पवित्रता की स्टेज से परम धाम से आएगी। जैसे परम अवस्था में गई वहां से उसी अवस्था में उसने इस पृथ्वी पर आना है। 100% वाली आत्मा सबसे पहले आएगी, फिर 99 वाली आएंगी, फिर 80 वाली आएंगी, फिर 70 वाली आएंगी, फिर 60 वाली, 50 वाली, 40 वाली। जैसे जैसे धरती डिग्रेड होती जाएगी वैसे वैसे आत्मा भी कम नंबर वाली परम धाम से नीचे आती जाएगी। बहुत सीधा सा फार्मूला याद रखना है, सबसे पहले परम धाम से 100% पवित्र आत्मा इस धरती को एंजॉय करने के लिए आएगी, जो 100% प्योर 16 कला संपूर्ण देवता। जैसे जैसे वो धरती को यूज करेंगे, ये धरती पतित होती जाएगी तो वहां से कम नंबर वाली आत्माएं नीचे आती जाएंगी। धरती जैसे गिरती जाएगी प्योरिटी वाइज, ऐसे ही कम नंबर वाली आत्माएं ऑटोमेटिक परम धाम से आती जाएंगी। परमात्मा किसी आत्मा को ये नहीं कहते जाओ अब तुम्हारी बारी। बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को ये समझाना है कि हम आत्माएं परम धाम से इस पृथ्वी पर तब आती हैं जब हमारी स्टेज की ये पृथ्वी बनती है। जितने नंबर हमारे हैं उस परसेंटेज की पवित्रता जब इस पृथ्वी की रह जाती है तब वो आत्माएं परम धाम से नीचे आती रहती। तो अब हमें समझ में आया कि हम जब आत्माएं परम धाम में हैं तो हमारी अवस्था में जरा भी चेंज नहीं आ सकता। परमात्मा हमें एक संकल्प भी नहीं पढ़ाता। तो जब पढ़ाता नहीं हम मिले कहां? हमें टॉफी नहीं खिलाई, चाय नहीं पिलाई, रोटी नहीं खिलाई, बात नहीं की, हमें गले नहीं लगाया, हमें छाती पर नहीं बिठाया, हमें कुछ भी तो नहीं किया।
जैसे हम परम अवस्था में गए वैसे ही परम अवस्था से यहाँ आ गए। परम धाम में जाकर हम परमात्मा से मिल नहीं सकते, परमपिता परमात्मा से मिलन होता है तो केवल और केवल संगम युग में इसी समय होता है, और ना परम धाम में मुलाकात होती है और ना इस पृथ्वी पर और किसी समय परमात्मा से मुलाकात। आप परमात्मा कहते मुझे परम धाम में याद करो, अब क्या करें? परम धाम का मतलब है संकल्प शून्य। अब हम संकल्प शून्य हो तो हम परम धाम पहुंच सकते हैं, जब तक हम संकल्प शून्य नहीं हुए तो परम धाम नहीं जा सकते, परम धाम चले जाएं तो वहां मिल नहीं सकते। फिर परम धाम में याद करना क्या? अभी अपने संकल्पों की गति को हम धीरे 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 कम करें। ये संकल्प की गति कम कैसे होती है? जितने व्यर्थ और नेगेटिव वेस्ट और नेगेटिव थॉट होते हैं ये उतने फास्ट होते, जितने सकारात्मक थॉट होते हैं वो उतने स्लो होते। अपने विचारों को शक्तिशाली बनाने का आधार है श्रीमत के आधार पर संकल्प करना, ईश्वरीय मत के आधार पर संकल्प करना, बस और कोई संकल्प मुझे नहीं करना है। जब हम ईश्वरीय मत पर संकल्प करेंगे तो वे धीमे और धीमे और धीमे होते जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ। हमने सोचना है तो केवल और केवल बाबा की श्रीमत, बोलना है तो बाबा की श्रीमत के आधार पर, करना है तो बाबा की श्रीमत के आधार पर। हमने किसी और को देखना नहीं, हमने किसी और को सुनना नहीं। जितने हमारे संकल्प स्लो होते जाते हैं उतने हमारे संकल्प पावरफुल होते हैं। हमारे संकल्पों में दृढ़ता आती है। तो हमें समझ में आया परम धाम परम अवस्था में पहुंचने में प्रयासरत होना, जितना जितना बाबा की श्रीमत पर मन मना भाव करेंगे, अपने जीवन में लाने के लिए बैठकर अपने आप को समझाएंगे, फिर सारा दिन उसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाएंगे, रात को सोने से पहले चेक करेंगे और चेंज करने की बात समझाकर सोएंगे। चाहे फिर आग लगो, चाहे बाढ़ आओ, चाहे भूकंप आओ, चाहे शरीर का कुछ भी हो, स्पष्ट हो रहा है। अब हमें वहां से प्रेम कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी,
आनंद कैसे मिलेगा? बिल्कुल, जब आप बाबा की श्रीमत पर विचार सागर मंथन करेंगे, मन को बैठकर समझाएंगे, तो क्या समझाएंगे? मैं आत्मा, सब आत्माएं परमात्मा की संतान, सब मेरे भाई, मेरे भाई अपने बाप को नहीं जानते, अब मेरा कोई भी शंका किसी को भी जरा दुख देने वाला धीरे धीरे जैसे जैसे उनके प्रति स्नेह सहयोग की भाव रखते जाएंगे, नेचुरल अपनापन उनका कल्याण कराने वाला बनेगा। इस प्रकार से आपके अंदर सबके प्रति प्रेम का भाव जागृत होगा। आप सारे दिन के व्यवहार में सबको प्रेम करेंगे, तब प्रेम का संबंध बनेगा। प्रेम कोई ऐसी आने की चीज नहीं, जाने की चीज नहीं। प्रेम तो हमने करना है, रूहानी प्यार हर आत्मा को देना है, और रूहानी प्यार है हर आत्मा को आत्म स्मृति दिलाना, हर आत्मा को परमात्म स्मृति दिलाना, हर आत्मा को कर्तव्य पूर्ण चलने के लिए। तो ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करें। और हर गुण हमारे अंदर डेवलप होता जाएगा, विकसित होता जाएगा। जो कुछ हमें चाहिए वो हम देते जाएंगे, उसे हम रोजाना चेक करें क्या नहीं दिया। सातों गुण मैंने आज बांटे कि नहीं बांटे, नहीं बांटे तो मेरे खाते में जमा नहीं होंगे, मेरे खाते में उतने जमा होंगे जितना मैं आत्माओं को
प्रैक्टिकल आज दी। धीरे धीरे आपका ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, ये अभ्यास बढ़ना माना इसका अनुभवी होना। सबको शांति का अनुभव कराएं, सबको प्रेम का अनुभव कराएं, सुख का अनुभव कराएं, पवित्रता का अनुभव कराएं, ज्ञान का अनुभव कराएं, सातों गुणों का अनुभव कराएं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 वीडियोस आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में उत्तर दिए गए हैं। इसमें आप वो भी वीडियोस देख सकेंगे, परमधाम कहाँ है, परमधाम क्या है, परमधाम कैसा है, परमधाम का साइज क्या है, तो परमधाम किससे कहते, इन प्रश्नों को समझेंगे तो आगे भी समझ में आएगा। ओम शांति।